अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल स्टार्ट हो चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 25 ऐसे फ़ोन लाया हूँ जो आप अच्छे खासे डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 5,000 से। नंबर वन पर है रेडमी A1 जो 5,850 रुपये के ऑफर के साथ आ रहा है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें प्रोसेसर मीडिया टेक का A22 आता है। इसमें कैमरा क्वालिटी आपको एवरेज मिलने वाली है। नंबर दो पर है C30। इसमें भी आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी और कैमरा आपको एवरेज ही मिलने वाला है। नंबर वन और नंबर दो दोनों ही एवरेज फ़ोन है। नंबर तीन पर है सैमसंग का F13 जो 8,500 रुपये में आता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक्जोनस का 850 मिलेगा आपको। डिस्प्ले 6.6 IPS LCD के साथ आता है। इसमें बैटरी आपको 6,000 mAh की मिलेगी और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी और यह एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। यदि आपको थोड़ा और बजट है तो नंबर चार पर है पोको M4 Pro जो एक एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो G96 के साथ आता है। इसका कैमरा आपको अच्छा मिलेगा और बैटरी 5,000 mAh की मिलेगी। इसमें चार्जर की बात करें तो इसमें आपको 33 वाट का चार्जर मिलेगा। नंबर पाँच पर है सैमसंग का F23 जो एक 5G फ़ोन है और यह फ़ोन 11,000 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा। इसके प्रोसेसर की बात करें तो 750G के साथ आता है और इसमें आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा। इसके कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको 5,000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और यह 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नंबर छः पर है मोटो G52 जो 12,500 रुपये का आता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 मिलेगा। डिस्प्ले 6.6 और 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है ये। इसमें आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो एवरेज मिलने वाली है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी और 30 वाट का चार्जर मिलेगा। नंबर सात पर है रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन जो 15,000 रुपये का आता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778G मिलेगा। डिस्प्ले आपको 6.6 की 144 हर्ट्ज के साथ मिलेगी जो एक IPS LCD है। इसमें भी आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा। कैमरा क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी और यह 30 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही यह एक 5G फ़ोन है जो 5 बैंड को सपोर्ट करता है। नंबर आठ पर है Realme 9 Pro Plus जो आपको ऑफर में 18,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Dimensity का 9020 का प्रोसेसर दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 और यह 90 हर्ट्ज की एक एमुलेट डिस्प्ले है। यह फ़ोन भी एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। इसमें कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। इसमें बैटरी की बात करें तो यह 4,500 mAh की बैटरी आती है और यह 60 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको 5 5G बैंड देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर है मोटो G82 जो एक 5G फ़ोन है और यह 18,500 रुपये में आपको ऑफर के साथ मिल जाएगा। इसके प्रोसेसर की बात करें तो यह स्नैपड्रैगन के 695 के साथ आता है और इसकी डिस्प्ले 6.6 जो 120 हर्ट्ज के साथ आती है और यह है एक एमुलेट डिस्प्ले है। ये भी एंड्रॉयड 12 के साथ आता है और कैमरा क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलने वाली है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी और 30 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नंबर 10 पर है मोटोरोला का H20 फ्यूजन जो एक 5G फ़ोन है। इस टाइम यह इसकी कीमत 18,000 रुपये है। यदि यह फ़ोन ऑफर के साथ आता है तो यह फ़ोन आपको 16,000 के लगभग पड़ जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Dimensity का 800U मिलता है और डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की एक 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। इसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा। इसकी बैटरी की बात करें तो 5,000 mAh की बैटरी आती है और यह 30 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही यह 13 5G बैंडों के साथ आता है। नंबर 11 पर सैमसंग गैलेक्सी M52 जो एक 5G फ़ोन है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो 778G के साथ आता है। 6.7 जो एक एमुलेट डिस्प्ले है और जो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। यह फ़ोन आपको एंड्रॉयड 12 के साथ मिलेगा और यह फ़ोन 5,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। इसमें आपको 11 5G बैंड मिलेंगे और यह 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नंबर 12 पर है मोटोरोला H30 जो 22,750 रुपये का आता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 778G मिलेगा। इसमें डिस्प्ले 6.5 इंच की आती है और यह 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। यह फ़ोन आपको एंड्रॉयड 12 के साथ मिलेगा। कैमरा क्वालिटी आपको एवरेज मिलने वाली है। बैटरी इसमें 4,200 mAh की मिलेगी और यह 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसमें आपको 13 5G बैंड देखने को मिलेंगे। नंबर 13 पर है रेडमी K50i जो एक 5G फ़ोन है जो 20,000 रुपये के लगभग आता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Dimensity का 800 मिलेगा। इसमें डिस्प्ले 6.6 की जो 144 हर्ट्ज के साथ आती है। नंबर 14 पर है पोको F4 जो 22,000 के लगभग आता है। यह एक गेमिंग फ़ोन है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 मिलेगा। इसमें आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और जो 120 हर्ट्ज के साथ आती है और यह एक एमुलेट डिस्प्ले है। इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4,500 mAh की बैटरी मिलेगी और यह 67 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसमें आपको 10 5G बैंड मिलेंगे। नंबर 15 पर है रियलमी का GT Neo 3T जो आपको सेल में 23,000 के लगभग मिल जाएगा।
यह भी एक गेमिंग फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है। 16 नंबर पर है IQ का न्यू 6, जो एक गेमिंग फ़ोन है। यह फ़ोन स्नैपड्रैगन के 870 के साथ आता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की डिस्प्ले और यह 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। यह एक एमोलेड डिस्प्ले है। नंबर 70 पर है A52s, जो एक 5G फ़ोन है। यह आपको अमेजोन पर 27,000 के लगभग मिल जाएगा। नंबर 18 पर है नथिंग फ़ोन 1, जो 29,000 के लगभग फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो 778G मिलेगा, 6.5 इंच की डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड 12 मिलेगा। कैमरा क्वालिटी आपको एवरेज मिलेगी। इसमें बैटरी आपको 4500 mAh की मिलेगी और यह 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही यह 12 5G बैंड के साथ आता है। नंबर 19 पर है गूगल पिक्सल 6a, जो 28,000 के लगभग आता है। पिक्सल ए में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो 16 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है। इसमें आपको स्टोरेज 3.1 की मिलेगी, एंड्रॉयड 12 मिलेगा, कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। इसमें आपको 4410 mAh की बैटरी मिलेगी। यह फ़ोन 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको 19 5G बैंड मिलेंगे। नंबर 20 पर है iPhone 11, जो 30,000 के अंदर अंदर आने वाला है। इस फ़ोन की बात करें तो इसमें आपको 6.1 इंच की एक IPS LCD मिलेगी। इसमें आईफोन का ही प्रोसेसर A13 मिलेगा। कैमरा क्वालिटी इसमें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। बैटरी इसमें 3110 mAh की है और यह 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 21 पर है सैमसंग का S21 FE, जो एक 5G फ़ोन है। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको एग्जोनस का 2100 मिलेगा। इसकी डिस्प्ले 6.4 इंच के साथ आती है जो 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है। यह एक एमुलेट डिस्प्ले है। इसमें आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा, कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी। यह फ़ोन 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही आपको 13 5G बैंड मिलेंगे। नंबर 22 पर है iPhone 12, जो 40,000 के नीचे आने वाला है। 23 पर है iPhone 12 mini, जो 40,000 के अंदर आने वाला है। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी आपको A14 मिलेगा। डिस्प्ले 5.4 इंच की है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। बैटरी इसमें आपको 22,027 mAh की मिलेगी। यह फ़ोन 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें आपको सभी 5G बैंड मिलने वाले हैं। नंबर 24 पर है iPhone 13, जो 50,000 का आने वाला है। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको A15 मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसमें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। बैटरी इसमें आपको 3240 mAh की मिलेगी। 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें आपको सारे 5G बैंड मिलेंगे। नंबर 25 पर है सैमसंग का S22 Plus, जो एक 5G फ़ोन है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा। डिस्प्ले 6.6 इंच की जो 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है। इसके कैमरे क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको अच्छी मिलने वाली है। इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और यह फ़ोन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।